नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद और आशा है कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सिविल कोड के बारे में एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बोला था कि 28 दिसंबर 2023 को इसके एग्ज़ाम कराने का, मतलब परीक्षा कराने का एक मीटिंग होगी और इसके बाद उसमें बहुत सारे कमेंट किए अभी तक कि सर उस मीटिंग में क्या हुआ। तो मैं इस पे वीडियो बनाना नहीं चाहता था क्योंकि उस मीटिंग में कुछ ख़ास बात नहीं थी, लेकिन इतना कमेंट आने के बाद, इतना मैसेज कॉल आने के बाद मुझे ये बताना पड़ रहा है कि उस मीटिंग में सिर्फ़ सिर्फ क्या हुआ था। मैं आपको फाइनल कर दूँ यहाँ पे। उस मीटिंग में सिर्फ ये डिसीजन लिया गया था कि जो भी सेंटर डिसाइड हुआ है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ज़िले में, और जितने भी इसकी व्यवस्था करी जानी है इसको एग्ज़ाम कराने में, तमाम तरह की व्यवस्था, एग्ज़ाम को ऐसे कराया जाए कि चोरी ना हो, बेईमानी ना हो, एग्ज़ाम एक साफ सुथरा हो, तमाम तरह के जो भी ये बातें हैं उस मीटिंग में रखी गई और फिर से उसको रीचेक कराने की बात कही गई कि जो भी इसमें काम अभी तक हुआ है, सेंटर डिसीजन की, एग्ज़ाम कितने शिफ्ट में होगी, है ना, और किस तरह से परीक्षाएं कराई जाएगी, ये तमाम तरह के जितने भी व्यवस्था है ये सारे व्यवस्था को एक बार फिर से रीचेक करने की उसमें बातें कही गई और मीटिंग में ही बात हुई। और ये भी बात तय हुई कि इसके बाद जो भी मीटिंग होगी उसमें फाइनलाइज कर दिया जाएगा कि एग्ज़ाम आपकी कब होगी, ये मीटिंग कब होगी, दूसरी मीटिंग कब होगी। पहली मीटिंग तो हो चुकी है 28 दिसंबर 2023 को, अगली मीटिंग आपके जनवरी में, जी हाँ, इसी जनवरी में 18 को होनी है, 18 को होनी है मीटिंग, और उस मीटिंग में पूरी तरह से फाइनलाइज कर दिया जाएगा और आपको ये बता दिया जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा। और ये आप जानते भी होंगे एग्ज़ाम आपके मार्च में ही होगा, समय कम है, इसलिए आप अपने तैयारी को और मजबूती प्रदान करिए, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप उस तैयारी को और मजबूती प्रदान करिए, है ना, थोड़ा भी ढिलाई नहीं चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम आपके सर पे है और मार्च में होनी है परीक्षा, ठीक है। अब रही बात कि ऑफिशियल नोटिस कब तक आएगी, तो इसकी जो ऑफिशियल नोटिस आएगी वो आपके जनवरी के एंड तक देखने को मिलेगी फाइनल, लेकिन आपके पास अपडेट तो आ जाएगा 18 जनवरी के बाद, बात समझे कि नहीं समझे। और सबसे अहम बात यह है कि पहले क्लर्क का एग्ज़ाम होगा कि पहले प्यून का होगा, ये सबके मन में सवाल है। देखिए, क्लर्क का जो फॉर्म आया है, जो फॉर्म भराया है, कितने कैंडिडेट हैं उसमें लगभग 5 से 6 लाख है, और प्यून में है 10 से 11 लाख। तो इस तरह से हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले प्यून का होगा, उसके बाद क्लर्क का होगा।